जी थोड़े से समय के लिए उनको काम करने का मौका मिला, लेकिन जिस प्रकार से छप्पन गरीब समाज की भलाई के जो अनेक काम किए, वो बार आदान संहिता लगी उसमें कुछ काम करने का था, लेकिन छप्पन दिन के अंदर वो बहुत सारी विकास की योजनाएं लेकर हमारे बीच में आए। ये नायब सिंह सैनी जी का टेंडर आपने देखा है, फिर अभी बाकी है। बहुत सूझबूझ के साथ हरियाणा प्रदेश को चलाने का काम करेंगे और खरगोदा विधानसभा की भागीदारी सरकार का हो, इस बात का प्रयास, इस बात का निवेदन मैं आप सबसे करने के लिए आया हूं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा एक बार जोरदार नारे के साथ कि तीसरी बार नए सरकार, तीसरी बार नए सरकार, तीसरी बार नए सरकार। बात प्रार्थना करता हूं, 15 साल का संघर्ष है जो आप लोगों का वादा करता है, आपके भाई आपके बेटे को चाहिए हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम के लिए मां बाबू का नाम करूंगा। यो न प्रचोदयात् ॐ पूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् ॐ पूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् ॐ पूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ॐ नमो नारायणाय स्वाहा, ॐ नमः शिवाय स्वाहा, ॐ साम सदा शिवाय स्वाहा। एक बार झूठे हुई सामग्री दे दे। वृंदावन बिहारी लाल की आरती करेंगे। पंडित जी उस बड़ी परात में आरती रख लें, जो अरे उठा लेंगे उसको ले लो। स्वामी जय जगदीश हरे, संकट काज के संकट चरण में कोई करे, ओम जय जगदीश हरे, जो जाते फल पावे दुख बिन से मन आ, स्वामी दुख बिन से हरे पिता। आशीर्वाद दे सभी।
दोनों हाथों से विजयी भव का आशीर्वाद दें और आशीर्वाद तो हम रोज देते हैं, पर आज जो इनकी दिली कामना है वो यही है कि हम जिस कार्य के लिए तत्पर हुए, सब भाईचारा इकट्ठा हुआ है, वो भाईचारा सभी उनको विजयी भव का आशीर्वाद दें। जय हो महाराज। आयुष्मान भव सौभाग्यवती हो। आप दौड़ के निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पंडाल में आके और अपनी जगह ले। का स्वागत है जो अपना स्थान लेकर के बैठे। कुछ ही देर में मैं 10 मिनट गेट पे खड़ा हूँ, जितना जी पर इलेक्शन लड़ा था। मैडम लीला नरवाल जी बोलती है, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, युवा शक्ति कर निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही जल्दी हमारे बीच में हमारे पार्टी के शीर्ष पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद चाहिए और समर्थन देने के लिए जो सारी भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है, आप सबके सहयोग से हर दूसरी पार्टी के नेताओं को लोगों को भी साल का पौधा के लिए कुछ करने का काम नहीं किया
और उसी से भारतीय पार्टी समस्या की कर्ता भी आप हैं और मेरे से माध्यम से मीडिया से किसी से पूछा कि भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है। मैं ये मानता हूँ कि कर मोदा की सबसे बड़ी समस्या कर मोदा का विधायक ही है। अगर उस विधायक को यहाँ से हटा देंगे तो कर मोदे के लोग एमएलए बनेंगे। कांग्रेस विधायक जयवीर वाल्मीकि अपनी ड्यूटी फर्ज निभा रहे हैं। देखिए ये पब्लिक है, सब जानते हैं, आप हर गांव में जाते हैं, आप चौथा सकंद है और जो आप सिखाते हैं लोग उसको मानते हैं, सुनते हैं, अपने अंदर आत्मसात करते हैं। हर गांव के लोग अपनी बात कि भाई बाहर का व्यक्ति सोनीपत से भाई राम सिखारा जी अपनी पूरी टीम के साथ
यहाँ भाई कौन सी कह रहा मन कर माता की मानवे सम्मान के योग्य माता की मानवे सम्मान के योग्य आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी जाकर भाई मोहन खगोड़ा जी के लिए आप आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हम सब मिलकर यहाँ पर कमल का फूल खिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद बहन मीना जी का। अब मैं निवेदन करती हूँ अपने तीनों मंडल अध्यक्ष यहाँ पर आए एक एक मिनट में सब राम राम करें अपनी हाजिरी में। तीनों मंडल अध्यक्ष जी कृपा करके आए। आदरणीय आजाद जी आपके बीच में विचार रखेंगे पवन खड़कोटा जी के पिताजी। भाइयों सबको राम राम। भाई सभी मंच पर बैठे मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण एवं पदाधिकारीगण जी आज आप जो इस सभा में आए हुए हो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अपने भाई पवन खड़कोटा जी। आपका हलका आपका बेटा और पवन खड़कोटा भाई हमने नगर में अतीत हो रहा है उस परमपिता परमात्मा की मेहरबानी से 15 साल तक हम लोग उनकी सेवा करी और वो एक बात का आदर थे कि भाई समय का दान समय का मान सम्मान समय की बारी उसका कुछ अलग ही महत्व होता है। तो आज आप जो आए हुए हो इसका कुछ अलग ही महत्व है। फिजाओं में रंगत और दरिया में रवानी होगी महक उठेंगे गुलशन जब आप जैसे सभी में लोगों की मेहरबानी होगी। बुजुर्गो नौजवान साथियों समाजाए फिजाए जमाना कर मठे बदले को दिल क्या खाक होता है जिसका जमाना भी एक साथ गुजरे। तो भाइयो बदलाव लो जय हिंद जय भारत। धन्यवाद जी। अब मैं तीनों मंडल अध्यक्ष से एक सेकंड सब मंच पे आके राम राम सभी करें सभी मंडल अध्यक्ष। आदरणीय मंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी जैसे जोधवाजी मंत्री सभी कार्यकर्ता और मेरे सामने बैठे सभी सम्मुख मेरे सामने माता शक्ति मेरे भाइयों मेरी बहने सभी से मेरा हाथ जोड़ का निवेदन है कि भाई पवन को अपने बेटे को कमल के फूल चढ़ाने के लिए आप आए हैं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने घर से परिवार से एक एक सदस्य को अपने पड़ोस में अपनी गली में सभी को बुलाकर वोट पोलिंग करवानी है और वोट पोलिंग सुबह नहा धोकर पहला काम यही करना है। इसके लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद। बहुत ही धरातल से जुड़े हुए गरीब परिवार से जुड़े हुए भाई कश्मीर
गोपाल जी आप हमारे बीच में आए अपना संबोधन दें। भाई जसवीर गोपाल जी भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही आदर व सम्मान के लोग हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी और हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमल का फूल जिनके हाथ में लेकर आज आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजे हैं। छोटा विधानसभा के मैं तो ये कहूँ आपके दोस्त को देखते हुए कि भावी विधायक भाई पवन खरखोदा जी और साथ में जिला परिषद की चेयरमैन मोनिका दैया जी, इस विधानसभा की संयोजक बबीता दैया जी, तीनों मंडल अध्यक्ष और खरखोदा विधानसभा के सभी पदाधिकारी और खरखोदा विधानसभा से गांव गांव से आई सारी सत्ता जी को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम बोलता हूँ। मैं तो अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ ये सोनीपत जिला भारतीय जनता पार्टी का जिला है और भारतीय जनता पार्टी ने तो मान सम्मान आपको प्रदेश अध्यक्ष बना कर दिया है। ये सारी खरखोदा विधानसभा की सरदारी आपको विश्वास दिलाती है कि खरखोदा विधानसभा नहीं सोनीपत की जय विधानसभा जीतकर आपकी जोड़ी में डालने का काम करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो ये खरखोदा में 15 साल का सूखा पड़ा है भाई पवन खरखोदा जो कमल का फूल लेकर आए हैं हमारे सभी साथियों की ड्यूटी बनती है कि हमारा पर कैसी कमल का फूल है भाई पवन खरखोदा है। पवन खरखोदा को यहाँ से बालिकाओं को से जिताकर और चंडीगढ़ की विधानसभा में बैठने का काम करेंगे और सारे जितने भी व्यक्ति आए हैं गांव को वन से सारे वो व्यक्ति है जिनके पीछे दरोदारों की संख्या है। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ इनकी हाजिरी से ये खरखोदा विधानसभा हम बालिकाओं से जीत चुके हैं। तो सभी साथी चुनाव तक मिलकर पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से कमल के फूल के लिए भाई पवन खरखोदा के लिए और मोहनलाल जी के लिए काम करना आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और तो निश्चित तौर पर इस चुनाव को आप सबके सहयोग और समर्थन से हम जीतने का सब मिलकर काम करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ भाई पवन खरखोदा जी को आए आपसे आशीर्वाद ले भाई पवन खरखोदा जी, सतीश खरखोदा जी, पवन खरखोदा जी का लोगों की माया से स्वागत कर रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई वंदे।
आपको साधुवाद देने आए हैं। मैं गुरु जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ। कोई प्रमाण की व्यवस्था बनाए।